आज श्रीवास्तव, और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कई दिन से पूछ रहे हैं कि इंस्टाग्राम का वेरिफिकेशन अगर करवाना हो, ब्लू टिक पाना हो तो कैसे होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे साथ इस वीडियो में है मिस्टर टेक सागर, इनका नाम है सागर नारायण श्रीवास्तव, और ये मेरे साथ इस वीडियो में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि यूट्यूब बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि जेन्युइन नहीं है, उसकी रियलिटी क्या है आपको सागर जी बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोया श्रीवास्तव चैनल। एंड जैसा कि सोया जी ने कहा कि बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी कंटेंट्स बने हुए हैं जिसमें कि ये दावा किया जाता है कि इंस्टाग्राम को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, किसी भी कोई भी वीडियोस जेन्युइन नहीं है। अगर कुछ वीडियोस दावा करते हैं कि आप वेरीफाई हो सकते हैं तो दो तीन वीडियोस में आप वेरीफाई हो सकते हैं, दो तीन वीडियोस अभी भी ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन उस वेरिफिकेशन का क्या फायदा जब वो वेरिफिकेशन हमेशा के लिए ना रहे। क्यों सर? या एग्जैक्टली, मैंने ऐसी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें वो आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आप सिंपली HTML में थोड़ी सी एडिटिंग करके आप ब्लू टिक पा सकते हैं, लेकिन आप जैसे उसको रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को वापस वो आपका ब्लू टिक हट जाएगा। इवन आप सही से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को फ्लॉन्ट भी कर सके, जब तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे तब तक वो आपका वेब पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो अब स्वराज श्रीवास्तव जी बताएंगे कि इस ट्रिक को हम कैसे अप्लाई करें, और एंड्रॉइड में भी ये फीचर आ गया तो हम कैसे करेंगे। Exactly. तो Android में जो फीचर की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जिस तरीके से मैं आपको ये ब्लू टिक लेने के लिए तरीका बताने वाला हूं, वो सबसे पहले iOS में था। तो सबके पास iOS है तो मैं इनके पास गया था वेरिफिकेशन करवाने के लिए, लेकिन अब फिलहाल ये Android के लिए भी आ चुका है, तो बहुत यूजफुल आप सभी के लिए। बिल्कुल जेन्युइन टेक्निक से मैं आपको बताऊंगा, Instagram का ऑफिशियली ये तरीका है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो जिनके पास iOS है उनके लिए भी बता दूंगा, और जिनके पास Android है उनके लिए भी बता दूंगा। तो आइए जाके देखते हैं कि कैसे आप ब्लू टिक पा सकते हैं Instagram अकाउंट पर बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एंड्रॉयड में आपको कैसे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो जाकर के कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपने प्रोफाइल के ऑप्शन में आना है। ये प्रोफाइल का ऑप्शन है मेरा, और मेरा यूजर नेम है स्वराज आज़ाद, तो फॉलो करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं। देन आपको यहाँ से लेफ़्ट स्वाइप करना है अपने अकाउंट में, प्रोफाइल में जा करके आपको नीचे जो सेटिंग्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिए। इसके बाद अगर आप यहां से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहां लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा प्राइवेट अकाउंट का जो ऑप्शन है उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। ये जो फीचर है ये पहले iOS में सिर्फ आया था, लेकिन अब ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है, और Instagram का ये ऑफिशियल है तो आपको इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपको कुछ पे भी नहीं करना है। इस पर आपको क्लिक करना है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पे। देन ये आपका जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपका यूज़र नेम जो है ये मेरा यहाँ पर पहले से ऑटो फिल है। फिर आपको अपना पूरा नाम लिखना है, तो मैं अपना पूरा नाम लिख देता हूँ स्वराज श्रीवास्तव। देन आपको नोन एज, मतलब आप जिस नाम से जाने जाते हैं, तो मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ स्वराज श्रीवास्तव। देन आपको कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, लाइक आप मीडिया के हैं या फिर स्पोर्ट्स से आते हैं या फिर कोई आप पॉलिटिशियन है। ये सब कुछ यहाँ पे देखिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे एंटरटेनमेंट का है, ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर का है, बिजनेस ब्रांड है, सब कुछ है। तो मैं न्यूज़ एंड मीडिया सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि बताने की ज़रूरत है नहीं। सो सबसे लास्ट में आपको अपनी एक फ़ोटो आईडी देनी होगी, यानी कि जैसे वो आपका आधार हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका DL हो सकता है, या जो ड्राइवर्स लाइसेंस होता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या फिर कोई भी जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है वो आपका हो सकता है यहाँ पे। तो मैं आधार अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस प्रोसेस को मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस प्रोसेस को स्किप कर दिया था क्योंकि मेरी कुछ प्राइवेसीज़ हैं, तो उसकी वजह से मैं आपको वो दिखा नहीं सकता। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी फ़ाइल जो है अपना आधार कार्ड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अ फाइल हैज़ बीन सेलेक्टेड। तो इसके बाद आपको नीचे जो सेंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर मैंने सेंड पर क्लिक कर दिया। अभी देखिए ये जो वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हो चुका है, यहाँ पर आपका फॉर्म देखिए लिखा भी हुआ है वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड, वी विल लेट यू नो वंस वी हैव रिव्यूड योर रिक्वेस्ट फॉर अ वेरीफाइड बैच। तो अगर आप एलिजिबल होंगे, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन आप हैं और आपको ब्लू टिक की ज़रूरत है, और Instagram को भी अगर लगेगा कि आप एलिजिबल हैं, तो आपको ब्लू टिक एज सून एज पॉसिबल Instagram की तरफ से मिल जाएगा। और अगर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में पास नहीं हो पाता है तब भी आपको Instagram की तरफ से बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट इसमें पास नहीं हो पाया, और आप दोबारा से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर इसी तरीके से आपको आयुष में करना होगा तो आपको वापस से प्रोफाइल में जाना है, सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ अकाउंट में जाना है। इसके बाद आपको जो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। देन आपको वापस से वही सारी अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी जो कि आपको इससे पहले मैंने बताई है। एंड्रॉयड में फिल करने के लिए आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है और वापस से आपको जो नीचे सेंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये डिटेल्स फिल करते ही ये ब्लू हो जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। अच्छी है और स्वराज जी ने बताया कि कितनी आसानी से हम लोग वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये बात तो सच है कि किसी भी चीज के लिए आपको अपनी ऑथेंटिकेशन को देना जरूरी है, आपकी अकाउंट आपकी ही होनी जरूरी है और फेक अकाउंट ना हो इसलिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली, और जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से ब्लू टिक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्लू टिक आपको पता ही होगा कि बहुत नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है। अगर आप कोई सेलिब्रिटी है, कोई पर्सनालिटी है, तभी आपको मिलेगा और आपके प्रोफाइल पे विजिट्स भी बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको ब्लू टिक की जरूरत है और आप उस पर्सनालिटी वाले क्राइटेरिया में आते हैं तब आपको ब्लू टिक बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ग्रुप है, ताकि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा तो किसी और का हो जाए, ज्यादा अच्छी बात है, उसे तरीका पता चल जाएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, और मेरे साथ साथ टेक सागर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इनका जो चैनल का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और जय हिंद।